जिन्होंने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिन्होंने इस तरह से एक चुंबकीय प्लेटफॉर्म बना दिया है। गेम बहुत अलग चल रहा है, खेला जा रहा है हम सबके साथ। कनेक्टिंग पीपल वाला कोई गेम नहीं। क्या बन गया? आप इनके यूजर बन गए हैं। यूजर बनना है जीवन में कि क्रिएटर बनना है जीवन में? भीड़ में खड़े होकर ताली बजाना है कि वो बनना है जिसके लिए भीड़ ताली बजाए? उनको हम गाना अपने आप दे देते हैं कि ये गाना अपनी रील में लगा लो। रील बनाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लो हम गाना अपनी तरफ से देते हैं, ये गाना लगाओ सीधा रील बन जाएगी, सीधा अपलोड कर दो। तो बना दिया है। क्या लगता है आपको, यूट्यूब क्यों रील को लेके आ गया, इंस्टाग्राम क्यों रील को लेके आ गया? रील तो पहले उसमें होती थी ना, कौन सा ऐप था, टिकटॉक। अब ये मोबाइल जो है, ये आपको क्या लगता है कि आपकी गलती, आप मोबाइल में फंस गए हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका भोलापन है कि आप मोबाइल में फंस गए हो। ये उन बुद्धिजीवियों की करतूत है जिन्होंने ये चीज बनाई है, जिन्होंने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिन्होंने इस तरह से एक चुंबकीय प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहां रील्स के फॉर्मेट को बना दिया है। क्या लगता है आपको, यूट्यूब क्यों रील को लेके आ गया, इंस्टाग्राम क्यों रील को लेके आ गया? रील तो पहले उसमें होती थी ना, कौन सा ऐप था, टिकटॉक में होती थी सिर्फ, फिर बाकी प्लेटफॉर्म पे ये रील क्यों आ गई? क्या हुआ उस प्लेटफॉर्म पे, जो लोग उसको इस्तेमाल करें तो उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो जाएगा? इसलिए नहीं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम बढ़ जाएगा। उनके प्लेटफॉर्म पे जो लोग आते थे वो उतना समय व्यतीत नहीं कर रहे थे जितना टिकटॉक पे अब व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि वहां आके वो एक मिनट का वीडियो देख रहे हैं और इनके प्लेटफॉर्म पे फोटो देख के चले गए। तो उन्हें चाहिए होता है एवरेज इंगेजमेंट टाइम, इन्हें चाहिए होता है डाउ, डेली एक्टिव यूजर। कितना बड़ा डाउ है हमारा, डेली एक्टिव यूजर कितने हैं जो हर रोज हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं? आप यहां सोच रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है, मजाक है और एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सीरियस कहानी होती है इन सबके पीछे। रोज इनका बॉस ऑफिस में आता है, बोलता है दिखाओ आज का डाउ कितना है, हाँ दिखाओ कितना डाउ है। अरे आज का डाउ तो कम हो गया है, आज 5% लोग कम आए हैं, क्या हुआ? सर ऐसा है ना कि वो आज रील कंटेंट ओवरऑल बहुत कम पोस्ट हुआ है। अच्छा कम रील पोस्ट हो रही है, अच्छा तो एक काम करो, लोगों को और रील्स दिखाते हैं और पोस्ट करने के लिए बोलते हैं। उनको हम गाना अपने आप दे देते हैं कि ये गाना अपनी रील में लगा लो। रील बनाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लो हम गाना अपनी तरफ से देते हैं, ये गाना लगाओ सीधा रील बन जाएगी, सीधा अपलोड कर दो। लोगों को सर क्रॉप करने में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो का साइज रील के फॉर्म में नहीं आ रहा, हम खुद दे देते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर बना के ऐसा अपने यूट्यूब में डाल देते हैं कि आप अपना वीडियो डालो, अपने आप रील के फॉर्म में कट के बन जाएगा। गेम बहुत अलग चल रहा है, खेला जा रहा है हम सबके साथ। कनेक्टिंग पीपल वाला कोई गेम नहीं है, सारा गेम इसका चल रहा है, डाउ का, माउ का, मंथली एक्टिव यूजर, एवरेज इंगेजमेंट टाइम ऑफ द यूजर, कितना समय आप व्यतीत करते हो। जब ये डेटा उनको मिल जाता है तब वो जाते हैं डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास जाते हैं, किसी को साबुन बेचना है, किसी को किताब बेचनी है, किसी को जूता बेचना है, उससे बोलते हैं देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचिए, यहाँ पे आके यूजर सबसे ज़्यादा समय बिताता है। आप कभी अपने फ़ोन में चेक करना, दिन के 1.5-2 घंटे आप एक ऐप पे बिता रहे हो, उसके लिए कितनी बड़ी जीत है। आप मनी मन खुश हो रहे हो, मज़ा आ रहा है, वो जीत रहा है, असल में इस्तेमाल हो रहा है आपका, पूर्ण रूप से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने डेटा के लिए, अपने फायदे के लिए। फिर वो जाएगा एक कंपनी को बोलेगा, ये देखो साहब हर रोज हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ लोग रोज आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और हर बंदा हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आधा घंटा व्यतीत कर रहा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, आधा घंटा रोज व्यतीत कर रहा है, यानी अब उसकी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है, हम दिखाएंगे कि उसे किस तरह के जूते पहनने चाहिए। एक बार किसी सोशल मीडिया पेज पे किसी एक जूते का एक वीडियो थोड़ी देर तक देख लो, उसके बाद देखो गूगल से, हर तरफ से, फेसबुक से, हर तरफ से, लो भाई हमारा जूता खरीद लो, खड़े हो जाएंगे सारे प्लेटफॉर्म वाले, हमारा शूज खरीद लो। हे आयुष, आर यू लुकिंग फॉर शूज, व्हाई डोंट यू बाय दिस शूज, देयर इज अ होल बिजनेस रनिंग बिहाइंड ऑल दिस। इसीलिए ये सब चीजें आपको बहुत दिलचस्प लगती हैं, आपको थोड़ी समझ में आ रहा है पीछे गेम चल रहा है, वो अपना मकसद सिद्ध कर रहे हैं। क्या आपका मकसद सिद्ध हो रहा है? अगर दिन में 1 घंटा आप इंस्टाग्राम पे बिता देते हो तो क्या इंस्टाग्राम से आपको तनख्वाह मिलती है इस चीज की? उनको तो तनख्वाह मिलती है इस चीज की, आपको तनख्वाह मिल रही है क्या? कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, फिर क्या मिल रहा है? आप माँ बाप की सेवा हो जाती है देख के, ज्ञान मिलता है कोई? वो 1 घंटा आपका खराब हो रहा है। अगर 1 घंटा आपका खराब भी हो रहा था ना, कोई बड़ी बात नहीं थी, 1 घंटा आप सो लेते, विश्राम कर लेते,
एक घंटा आप व्यायाम कर लेते, नीचे जाके खेल लेते बच्चों के साथ, आपकी बॉडी को फायदा होता उससे। ये एक घंटा आपका सिर्फ खराब नहीं हुआ, एक घंटा आपका नेगेटिव हुआ है, आपके जीवन से बहुत कुछ खींच के ले गया, आपका बहुत सारा डेटा लेके चला गया, आपके लाइफ के डिसीजंस उनके हाथ में जाते जा रहे हैं। जितना समय आप वहां व्यतीत करेंगे उतने आपके लाइफ पे उनका प्रभाव होता जा रहा है। अब आप सोचो आपका एंड रिजल्ट क्या है, इनका एंड रिजल्ट ये था, ये इसके लिए मेहनत करते हैं, आप इनके क्या बन गए, आप इनके क्या बन गए, आप इनके यूजर बन गए हैं। यूजर बनना है जीवन में कि क्रिएटर बनना है जीवन में? भीड़ में खड़े होकर ताली बजाना है कि वो बनना है जिसके लिए भीड़ ताली बजाए? ये जितने बड़े बड़े लोग, तुम्हें क्या लगता है ये इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हैं? कुछ नहीं, ये तो बस देखते हैं काउंट। हाँ भाई खोलो शीट, खोलो क्या, अच्छा आज इतने ही लोग आए, अच्छा 17 से 20 साल के बच्चे बहुत कम है प्लेटफॉर्म पे। जितना ज्यादा छोटी उम्र का बच्चा ऐसे प्लेटफॉर्म पे होता है उतना ज्यादा इन प्लेटफॉर्म का वैल्यू बढ़ता है, उतना ज्यादा एडवर्टाइजर इनको पैसा देते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए इसको बोला जाता है कि कितनी अर्ली स्टेज पे, कितनी जल्दी उम्र के कितने छोटे पड़ाव पे आपने यूजर को एक्वायर कर लिया है। आपने 17-18 साल के बच्चे को अपने प्लेटफॉर्म पे पकड़ लिया है, अब जर्नी लंबी है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो पूरे समय साथ रहेगा। इतना पीछे गेम हो रहा है और आप आगे मासूम से स्क्रॉल करते जा रहे हो, कमेंट करते जा रहे हो, किसी ने आपसे कहा कमेंट में ये लिख दो तो आपने कमेंट में वो लिख दिया। आपका एंड गोल क्या है अभी के लिए? ऑफ कोर्स जीवन के लिए खुश रहना एंड गोल है, मां बाप को खुश रखना, खुद खुश रहना, स्वस्थ रहना, जीवन का एंड गोल यही होना चाहिए। क्योंकि बाकी यार जीवन के बारे में बहुत ज्यादा किसी को नहीं पता है, कितना भी कोई ज्ञान की बातें करे।